वोट शेयर भी आपको दिखा देते हैं कि वोट शेयर की क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। उसके बाद आपसे एक सवाल और लेंगे और सीधा रुख करते हैं डाटा सेंटर का, जहां से राजेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र बताइए अगला सवाल। बिल्कुल रोहित जी, अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में किसे कितने वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, यह सवाल हमने पूछा वोटर से। पूरे उत्तर प्रदेश में किसे कितने वोट, किस पार्टी को कितने वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, और इस सवाल के जो जवाब मिला वो आपके पास है रोहित जी। बिल्कुल, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिख रहा है, और आंकड़ा आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 42% का ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, और सपा की बात करें 33%, बसपा की बात करें 13%, कांग्रेस की बात करें 7%, अन्य की बात करें तो 5%। ये तस्वीर निकलकर आ रही है, बीजेपी 42%, समाजवादी पार्टी 33%। और सीधा रुख करेंगे प्राची पराशर का। प्राची बताइए बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है, सवाल यह है कि किसे कितने फीसदी वोट मिलेंगे, और इसका जवाब जो ओपिनियन पोल में आया है उसके मुताबिक भाजपा प्लस को 42% वोट मिलने का अनुमान है। ये वोट शेयर है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 33% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। अगर बसपा की बात कर लें तो कुल 13% है। कांग्रेस को 7% वोट परसेंट मिलने का अनुमान है, और अन्य को 5% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। ये तो बात हो गई जनवरी की, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। रोहित जी बताइए क्या कुछ आंकड़े पिछली बार रहे। बिल्कुल प्राची, आइए जल्दी से अगली स्थिति दिखा देते हैं कि क्या परिवर्तन आया है दिसंबर और जनवरी के बीच में। तो परिवर्तन आपके सामने है, 40% से 1% का इजाफा, 41% अगर हम जनवरी की बात करें, यह साफ तौर पर तस्वीर उभरती हुई दिख रही है। सपा की बात करें तो 34% दिसंबर 2021 में था, और जनवरी 2022 में 33%, यानी 1% की कमी। बीएसपी की बात करें तो बसपा दिसंबर में 13% था 2021 दिसंबर में, और जनवरी 2022 में भी 13%, यानी वोट परसेंटेज में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो दिसंबर 2021 में 7% और जनवरी 2022 में भी 7%। अन्य की अगर बात करें तो दिसंबर 2021 में 6% और जनवरी 2022 में 5%, यानी 1% की गिरावट। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। ब्रजेश पाठक साहब, क्या कहना आपका?